स्वास्तिका गेट इज ओवर है फॉर अस। पता नहीं हमारा कार्ड इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, वो रेड लाइट चल रही है। मूवी मुझे खिड़की के पास बैठने नहीं दे रही। कोई बात नहीं बहन, सब कुछ नहीं मिल। हैप्पी बर्थडे गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिलेशन फातिमा। तो आज है हमारा थर्ड डे ऑफ द ट्रिप और आज हमें वापस घर भी जा रहे हैं। सो बस हम निकल रहे हैं। हमें बेसिकली आज थोड़ा सा श्योर नहीं है बिकॉज यहाँ पर कर्फ्यू भी लग गया है मेन डिस्ट्रिक्ट में, जो मेन जयपुर सिटी है उसमें एक जगह पर, तो जहाँ पर हमें बेसिकली जाना था हवा महल के पास शॉपिंग करने। तो आप पता नहीं, अब बात करते हैं क्या है सीन क्या है। फिलहाल तो हम लोग पत्रिका गेट जा रहे हैं। तो पत्रिका गेट इस तरफ है बिल्कुल हमारे होटल से, इट्स लाइक 950 मीटर्स। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे नीचे एंड देन विल गो टू पत्रिका गेट और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि हमारी ट्रेन तो शाम में है 5 बजे की। सो यस, सो आई एम वेयरिंग दिस सूट टुडे। सो या एक दिन सूट तो बनता था। सो यस, सूट ये मैंने पहना हुआ है ब्लू एंड ब्लैक एंड इसके बाद मैं इज वेयरिंग स्कर्ट। तो यस, वी आर लिविंग। हाय इंशा पापा। हाय पापा। तो बस हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे और उधर से पत्रिका गेट जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर चेकआउट करेंगे। सो यार, दैट्स आवर प्लान टुडे। और आई हैव अप्लाइड ब्लू आई लाइनर टुडे, देख नहीं पा। पत्रिका गेट कुछ खास नहीं लग रहा मुझे, ये है जस्ट फॉर फोटोग्राफ, फर्स्ट टाइम फर्स्ट कोई रस्म है। सो दिस इज द गेट एंड ऑनेस्टली यहाँ पर सारे प्री ब्राइडल शूट्स ही चल रहे हैं, कम से कम 3 शूट्स तो दिख रहे हैं। तो ये प्री ब्राइडल शूट 1, प्री ब्राइडल शूट 2, उधर 3, यही चल रहा है यहाँ पर। दिस इज प्री ब्राइडल शूट 5। विल टेल यू, यहाँ सिर्फ हाइप्ड है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। पत्रिका गेट इज ओवर हाइप फॉर अस एंड यहाँ पर सिर्फ प्री मैरिटल शूट चल रहे हैं। अब यार प्राइवेट प्लेस तो है नहीं, हम भी फोटोज खिंचवा रहे हैं बट वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्राइवेट कैमराज लेके आए। इतनी हम लोग में थोड़ी सी ह्यूमिलिटी है कि वी आर लाइक ओके फाइन फाइन, और उनका खत्म ही नहीं हो रहा शूट, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग भी है ऑनेस्टली। यहाँ क्यों आया मैं, आई एम थिंकिंग दिस। सो या मैं तो जिंदगी में क्यों आया यही सोचती हूँ। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। सो दिस इज द पत्रिका गेट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर क्या बताऊँ मैं, घूंघट कर दिया मैंने। नहीं है वो, पता नहीं हमारा कार्ड इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा है, डोंट नो व्हाई, वो रेड लाइट चल रही है। हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, बस हम लोग को 12 बजे चेकआउट करना है। बिल्कुल मैं रॉस हूँ, फ्रेंड्स वाला रॉस जो है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली 12 बजे चेकआउट करूंगी। सो यस, बस इंशा फातिमा ने ऑलमोस्ट कर लिया अपना जो करना था, मैंने भी अपना कर लिया, इधर सब रख लिया हमने। अलमिराज है बस एक बार, ओ सॉरी सॉरी, देख लो। और इसमें यहाँ पर भी बस चार्जर और मुझे बस याले पहन के जाना है। वॉशरूम भी चेक कर लिया हमने, यहाँ भी कुछ नहीं है, ये इंशा हाथों को रखना है। और ये हम लोगों ने क्योंकि जो जितना यूज नहीं करा हम लोग लेके जाएंगे,
मिला तो बस इंशाल्लाह विल बी अभी एक घंटा है, हम चिल करेंगे बैठ के, गाने सुन रहे हैं वैसे तो, यही है ना। हाँ इसको उसमें रख देना, छोटू नहीं नहीं छोटू इन द सेंस छोटू पैक उसमें लिपस्टिक आई कीप देयर। Yes, we are leaving. So bye bye pretty room. बहुत अच्छा रूम था, अच्छी सब कुछ था, ऑलमोस्ट सब कुछ ले लिया है, चादर उठा लेना इंशा। चलो लेट्स गो। चलो फिर हमारी ट्रेन तो 5 o'clock की थी तो हम बाबू बाज़ार गए बिकॉज हम लोगों ने शॉपिंग प्रॉपर नहीं करी थी तो घर वालों के लिए एंड खुद के लिए सब कुछ शॉपिंग करने गए बाबू बाज़ार। क्या हुआ? अभी मैं तो हमने सोचा जब जयपुर आए तो जयपुर ही वाली चीज़ें लेके जाएं सबके लिए, तो हम ये सब शॉपिंग कर रहे थे, चुनरी के सूट्स एंड ऑल, वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो हम लोगों ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है कि हम क्या बताएं, अब हमारे पास रखने की जगह नहीं हो रही। मैंने तो वहीं पर इंशा का बैग खुलवा के कुछ सामान रखवा भी दिया बट स्टिल हमारे हैंड में बहुत पैकेजेस थे एंड बहुत अच्छी मार्केट थी, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल गई। सो दिस इज़ बेसिकली जयपुरी रज़ाई और दुलाई भी कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत फेमस होती हैं ये। आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन द कलर्स कौन सा लूज, देन आई वेंट विद द क्रीम वन बिकॉज बहुत प्रिटी लग रहा था। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। सामान बहुत सारा है, बहुत सामान है अपने पास, हम बहुत सैटिस्फाइड विद द शॉपिंग। एंड ये मैंने इसलिए कहा बिकॉज मेरी वहाँ पर लड़ाई हो गई थी। अब वहाँ पर क्या है, IRCTC के जो वेटिंग रूम एरिया होता है, वेटिंग रूम होता है, तो उसमें हमारा ये AC चेयर कार वाले में था क्योंकि शताब्दी थी, तो वी वेंट देयर, देन दे सेट बिकॉज 3 o'clock हो रहा था, 5:50 की ट्रेन थी, दे सेट कि नहीं मैम अभी नहीं अलाउड है, 5:50 आप आइएगा 3:50 पे, बस 2 घंटे पहले। अरे यार कोई अगर टूरिस्ट है, कोई कहीं से आ रहा है, उसको थोड़ा सा जल्दी आना है, इट वॉज़ जस्ट अबाउट 50 मिनट्स की बात। मैंने बोला ये क्या बात है, तुमने कहा जाइए वहाँ पर पेड वेटिंग एरिया है वहाँ पर बैठ जाइए, फिर वी वेंट हियर। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वी पेड लाइक शायद 140 या 150 रुपीज़ पर पर्सन था, वी हैव टू पे टू सेट फॉर 3 आवर्स, बट दिस इज़ वेरी अनरीजनेबल एंड वेरी स्टूपिड। एक्चुअली पता है क्या हुआ, हम वी आर अर्ली, लाइक इट्स 2:45 राइट नाउ और हमारी ट्रेन 5:50 की है, तो हमें वो जो वेटिंग एरिया ऑफ AC चेयर कार वाला था क्योंकि हमारी शताब्दी थी, उसमें बैठने नहीं दिया बिकॉज दे आर सेइंग कि 2 आवर्स पहले जाते हैं, क्योंकि IRTC का कोई कौन सा है रूल है समथिंग, आई हैव केप्ट द टेक इन द फोटो। तो फिर अभी यहाँ पर कोई लाउंज था, वी आर सिटिंग हियर, सो फाइनली इट्स गुड, ये टेबल है बट ठीक है, जो पे नहीं कर सकते उसके लिए क्या है, वो रोल बैठे वेट करेंगे बाहर, इसीलिए बैठे हैं बाहर कुछ नहीं। हाँ क्या ये आई एम टॉकिंग टू मम्मा, जो मम्मा भाग गई, मम्मा घर दिखा रही है बस अब। After this, I had to attend my meet, so I attended my meeting. क्या क्या मसले क्या है जिंदगी में? क्या मसले? इसे कहाँ से चढ़ने वाली थी? 55, 56 पे एग्जैक्टली चढ़ने वाली थी। खड़ा हो यार। It was chaotic and disastrous. इंचा फातिमा के साथ क्या हुआ? ओह कचौड़ी है। ओह, actually this tray is छोटा थोड़ा यहाँ पर। तो हमें बहुत सामान रखने को problem हो रही है।
सिस्टर इज वॉचिंग देयर मूवी. मुझे खिड़की के पास बैठने नहीं दे रही. कोई बात नहीं बहन, सब कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में. और जो चीज आप चाहती है वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है. यू लर्न इट द हार्ड वे. बट यू बाहर क्या दिख रहा है? अंधेरा है पूरा, बस मुझे देखना. मैं सब मुंडा लड़ाती हूँ, मुंडा लड़ा के बैठती हूँ. तुम तो मुंडा लड़ा के भी बैठ सकते हो, देख रही हो. सॉरी सिस्टर, ये बहुत बदतमीज लड़की है इस दुनिया की. आई हेट हर. अभी देखना जबान चलेगी कॉफी से. हरी रिश्वत देख के मान गई है. अब इनके पास में शिफ्टिंग. जयपुर की शॉपिंग दिखाऊंगी मैं. और ये मेरा बैग है और ये मेरे रूम की हालत है. बट आई लव माई रूम. मुझे तो अच्छा लगा अपने रूम में आके. अपने घर आने की बात ही अलग होती है. फ्राइड राइस यार, ट्रेन का खाना काफी बिल्कुल बेकार था. बहुत वेस्ट हमें करते हुए बहुत बुरा लगा, बट हम खा ही नहीं पा रहे थे. और ये है चिली पनीर. और ये ओ वाओ सागा आलू बना है. सागा मिलने लगा. इतना अच्छा लेके आया आज. ओके ग्रेट. इंशा फार्मा